असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फोर्टीन का टॉपिक ओहम्स लॉ तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चैप्टर so, नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉपिक 14.4 पॉइंट लॉ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर सो ओह लॉ क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बोर्ड पर एक डायग्राम बनी नजर आ रही है जिसमें हमने एक नाइक्रोम वायर को जिसकी लेंथ है फिफ्टी सेंटीमीटर उसको अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ और ये बैटरी जो है ये वन पॉइंट फाइव वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है ओके ये बैटरी वन पॉइंट फाइव वोल्ट प्रोवाइड कर रही है और फर्दर हमने सीरीज में एक एम मीटर अटैच कर दिया जो कि करंट मयर करता है और सिमिलरली इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी तो हमने रेजिस्टेंस का एक सिंबल ड्रॉ कर दिया और इसके क्रॉस हमने पैरल में एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया जो कि हमें वोल्टेज मयर करके बताएगा क्लियर सो so, अब यहां पर एक बैटरी के ऊपर एक एरोड्रॉ है कि यहाँ पर यहाँ पर कि पर पर ये वेरिएबल बैटरी अटैच है जिसके वोल्टेजेस आप चेंज कर सकते हैं so हमने ऑब्जर्व ये करना है कि हम इस बैटरी से वोल्टेजेस चेंज करेंगे और उस बैटरी के वोल्टेज चेंज करने से यहां पर जो वोल्ट मीटर अटैच है ये आपको बताएगा कि वोल्टेज किस किस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं सिमिलरली जो एम मीटर है वो आपको बताएगा कि करंट इसमें किस तरह से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि आपके वोल्टेज जो हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं और आपका करंट जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है सिमिलरली हम एक वी आई करव ड्रॉ करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान सो so, हमने लेट्स सपोज कि यहाँ पर स्टार्ट में हमने वोल्टेज रखे वन वोल्ट और जैसे ही हमने वन वोल्ट वोल्टेजेस इसको प्रोवाइड किए तो हमने मैयर किया कि लेट्स पोज के जो है वो भी वन वोल्ट शो कर रहा है और एम मीटर जो है वो करंट भी वन अम्पेयर शो कर रहा है तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया और सिमिलरली हमने वोल्टेज को इंक्रीज करते गए तो हमने ऑब्जर्व किया कि करंट भी इंक्रीज कर रहा है अब जब करंट इंक्रीज कर रहा है और वोल्टेज भी साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी ग्राफ में ठीक है और जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है तो दिस इज एक्चुअली लॉ, कि जिस तरह से आप वोल्टेजेस को इंक्रीज करते जाएं, तो सिमिलरली करंट भी इंक्रीज करता जाएगा सो दिस इज ओहम्स लॉ तो आप देख सकते हैं कि ओह्स लॉ में जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल एक इंक्लाइंड लाइन आ रही है क्लियर तो अगर इंक्लाइंड लाइन आती है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है दैट्स मीन के ये ओहम्स लॉ है सो so, आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्राफ में एक बिल्कुल सीधी इंक्लाइंड लाइन आ रही है सो दिस इज एक्चुअली फॉलोज ओहम्स लॉ क्लियर अब हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ जो है बेसिकली है क्या द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डजेंट चेंज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एक अमाउंट ऑफ करंट आए पास हो रहा है एक कंडक्टर में से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस तो जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस इट एंड कंडक्टर के एंड पर अप्लाई किए थे प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज और उस कंडक्टर का टेम्परेचर और उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए क्लियर दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ ओके सो यहां पर हमने एक चीज कंक्लूड की कि जैसे जैसे आपका करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी इंक्रीज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो करंट भी इंक्रीज करेगा ओके सो और वी कैन से दिस ऑल्सो ट्रू सो जब भी एक प्रोपोर्सनैलिटी हम हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है और इस जगह पर जो कॉन्स्टेंट आएगा दैट इज आर एंड वी कैन राइट इट एज वी इज इक्वल टू आई आर ओके सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ ओहम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर अभी जो आर इसमें कॉन्स्टेंट था जो कि प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट क्या है इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ओके आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द Conductor. So you can write it as R is the proportionality constant is the रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अब हम डिस्कस करते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है हमने लास्ट लेक्चर में भी ये टर्म यूज की थी रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या रेजिस्टेंस को हम आम अल्फ़ाज़ में इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक रुकावट है अब रेजिस्टेंस किसी चीज का नाम नहीं है इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ Substance, कि किसी भी सब्सटेंस लाइक फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर जो है वो अगर आइटम से मिलकर बना है तो एक कंडक्टर में मौजूद हैं हैं अब जब आप उसमें से करंट फ्लो करते हैं, तो वो आटम्स जो है, वो जो उस करंट के लिए रुकावट बन जाते हैं तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कि जो कि करंट के मोशन को अपोज करता है उसको रोकता है सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस की वो करंट के लिए क्या बन गया है वो रेजिस्टेंस बन गया है कि वो आइटम्स उसके सामने आ जाते हैं और वो उसको अपोज करते हैं उसके मोशन को सो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस क्लियर सो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस Which offers opposition for the flow of current. थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ओके और अब इस रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है सो so, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है इसका यूनिट होता है ओहम और ओहम का सिंबल होता है जस्ट लाइक दिस ओके दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम सो so, अब हम ओहम को डिफाइन करते हैं जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है तो ओम बेसिकली क्या है So, the definition of Ohm is if one volt of potential difference, if one volt of potential difference applied. Across the ends of conductor and one ampere of current. Passing through it, then the resistance of conductor will be. वन ओहम, क्लियर सो इफ वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड वन अम्पेयर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट देन इट्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी वन ओहम ओके सो अगर आप एक वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस और उस कंडक्टर में से वन अंपेयर करंट पास कर जाए तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी क्लियर? आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वीआई वी ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स एंड वी स्टैंड्स स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओहमिक डिस्कस करते हैं कि ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं ऐसे कंडक्टर्स जो कि ओह लॉ को ओबे करते हो उन्हें हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करना इसका मतलब यह है कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर में वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सिमिलरली करंट भी इंक्रीज करता जाता है ओके सो इट शोज कि ये ओम्स लॉ को ओबे करता है तो ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं दे आर ओमिक कंडक्टर्स सो मेटेरियल दैट ओबेज ओम्स लॉ एंड अ कॉन्स्टेंट रिजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज टू बी ओहमिक वो मेटेरियल जो ओम्स को ओबे करते हो और उसकी रिजिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट हो ओवर द वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस तो ऐसे मेटेरियल को हम क्या कहेंगे दे आर ओहमिक ओके तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हम जितने वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग करंट वहां पर सप्लाई करता है या कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करता जाएगा ओके एग्जांपल आर सिमिलरली हमने फर्स्ट पोर्ट पर एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही थी एंड दिस शोज कि अगर आप जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज कर रहा है तो अगर एक ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन आ जाए दैट कि ये भी ओम्स लॉ को ऑबे कर रहा है सो so, हम यहां पर के केस में जो वी आई करॉ होगी वो भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एंड दाइन शोज की कंडक्टर्स कौन से होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं सो नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोस्त विच डू नॉट लॉ, ओके, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते सो मेटेरियल डॉ नॉट ओबे ओहम्स लॉ एंड हैविंग रेजिस्टेंस चेंजेस विद वोल्टेज और करंट आर नॉन ओहमिक वो मेटेरियल जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते और उनकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती है वोल्टेज या करंट के चेंज होने से तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं दे आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स अब कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जैसे कि फिलामेंट लैंप फिलामेंट लैंप में क्या है कि जैसे जैसे इस फिलामेंट को आप हीट अप करते हैं व्हेन हीटेड तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस और रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने का मतलब यह है कि इस केस में करंट डिक्रीज कर जाएगा ओके okay? So, अगर हम इसको ग्राफ से डिस्कस करें जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज वी आई वोल्टेज एंड करंट तो इस केस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का ड्रॉ हो जाएगा ओके okay? कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से आपका करंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा करंट फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा जैसे यहां से देख सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहे हैं और करंट भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर करंट फर्दर इंक्रीज करना बंद हो जाएगा और वोल्टेजेस जो है वो इंक्रीज करते जा रहे होंगे क्लियर आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं दैट इज थर्मिस्टर सो थर्मिस्टर के केस में क्या होता है जब आप थर्मिस्टर को गर्म करते हैं वेन हीटेड तो इस केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस और रेजिस्टेंस के डिक्रीज करने का मतलब यह है कि करंट इंक्रीज कर जाएगा तो इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा ओके okay, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब फर्दर इस पॉइंट के बाद वोल्टेज इंक्रीज नहीं कर रहे लेकिन करंट इंक्रीज करता जा रहा है तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही कि ये लॉ को ओबे नहीं कर रहा सो दीज आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्लियर सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये ओमिक और नॉन ओमिक का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सो so अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज